साथियों, डेयरी सेक्टर में जिन पशुपालकों को लाभ हो रहा है उसमें से ज्यादातर छोटे किसान ही है। किसी के पास तीन पशु हैं, चार पशु हैं, किसी के पास पांच, किसी के पास सात, और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है। यहां कचकी बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान शून्य से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदें इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। साथियों, साल 2010 में बन्नी भैंस को राष्ट्रीय मान्यता भी मिली थी। आजादी के बाद भैंस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मान्यता मिली। साथियों, बन्नी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था यहां कच्छ में बहुत सफल रही है। देश में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी करने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से
फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 2400 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।